दोस्तों अब आप Flipkart पर 28% हर प्रोडक्ट पर सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास GSTN नंबर है और मान लीजिए आप 50,000 की कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं या लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आप वहां पर 28% सेव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई 50,000 का लैपटॉप है तो आप वहां पर 14,000 की बचत कर पाएंगे। और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप लोग इस GST ऑफर को कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगी, तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपना Flipkart ऐप में जहाँ पर सर्च होता है आप अपना प्रोडक्ट सर्च करोगे जो भी आप खरीदना चाहते हो। जैसे मैंने ये लैपटॉप जो है एग्जांपल के तौर पर लिया है तो आपने अपना प्रोडक्ट जो है उस पर क्लिक करना है और आपका प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर सामने आ जाएगा, उसका प्राइस भी होगा। अब आपने सबसे पहले जो है वो चेक करना है ये प्रोडक्ट जो है वो GST ऑफर में है या नहीं। तो बाकी के सारे ऑफर भी आपको यहीं पर दिख जाएंगे लेकिन आपका जो GST ऑफर है वो आपको नीचे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए 28% फॉर बिजनेस परसेज आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंफर्म कर लोगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो GST ऑफर में है। देन आप जो है यहाँ पर ऐड टू कार्ट या फिर प्रोसीड टू बाय पर क्लिक करोगे कंफर्म करने के बाद में। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे अब आप स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहीं से आपको सबसे पहले जो करना है वो आपने यहां पर एड्रेस डालना होगा, अपना वो वाला एड्रेस जो आपके GSTN पेपर्स में है। तो आप GSTN पेपर्स में जो भी एड्रेस है आपका वो यहाँ पर फिल करेंगे और उसी पर अपना जो है अपना पार्सल मंगवाएंगे। तो ये देखिए मेरा ऑर्डर हो चुका है उसी एड्रेस पर। और यहाँ पर आप जो वर्क पर क्लिक करेंगे देन आप सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अब आपका देखिए यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो आपका वही एड्रेस हो चुका है जो आपके पेपर्स में है। देन आपने यहाँ पर देखिए यूज GST इनवॉइस इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो अब आपने अपना GSTN नंबर यहाँ पर डालना है और सेम इसी तरह से आपने बिजनेस नेम डालना है। तो ये दोनों डिटेल आप यहाँ से सही से और अच्छे से चेक करके डालेंगे, ये गलत नहीं होनी चाहिए। देन आपने यहाँ पर देखिए ये मेंशन भी करा है इन्होंने, तो आपने ये अपनी डिटेल डालने के बाद कंफर्म एंड सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे आपका जो है GST नंबर और आपका वर्क आ जाएगा। देन आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अब आप नॉर्मली जैसे भी आप अपने प्रोडक्ट का पेमेंट करते हैं जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर देंगे और आपका प्रोडक्ट जो है GST इनवॉइस के साथ में आपके घर पर पार्सल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर ही बताया था। अब बात करते हैं आपने ये जो है 28% कैसे क्लेम करना है। तो जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसका Flipkart जो है आपको GST इनवॉइस आपके घर पर भेजेगा प्रोडक्ट के साथ में। और जब भी आप अपना GST पे करने जाते हो या आपका CA करता है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत जो है आपका 14,000 या मान लीजिए 28% या उस टाइम पर जो भी GST होती है वो आपकी जो है वो रिटर्न करवा देगा। तो आपका देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म में जो है वो सेविंग है, लेकिन है तो आपकी सेविंग ही। तो इस तरह से आप जो है Flipkart पर 28% सेविंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।